नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट आठ का अटैक। दुनिया में गणित के क्षेत्र में भारत का विशेष योगदान है। भारत के महान गणितज्ञ रहे आर्यभट्ट ने दुनिया को जीरो यानी शून्य से परिचित कराया। इस जीरो ने कैलकुलेशन को एक नया रूप दिया। धरती और चांद के बीच की दूरी का अनुमान लगाना मुमकिन हो गया। लेकिन जब आर्यभट्ट ने जीरो ईजाद किया था, तब शायद उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जीरो कभी राजनीति में भी अपनी अहमियत बना लेगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ राजस्थान की राजनीति में दिख रहा है। दरअसल सरकार अपने काम और उपलब्धियों को गिना रही है, जबकि विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। सत्ताधारी पार्टी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लगातार तीसरी बार जीरो पर लाने की बात कर रही है, तो राज्य सरकार के मंत्रियों को विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी डबल जीरो की मार्किंग दे रही है। ऐसे में जनता के मन में भी सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर कौन हीरो है और कौन जीरो। आज हम आठ का अटैक में करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल भी होगा, हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी करवाएंगे आपका परिचय, उनसे भी करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कहा जाता है कि हर शब्द का अलग मतलब और अलग अहमियत होती है। कई बार तो विषय और माहौल के संदर्भ में शब्दों के मतलब बदल जाते हैं, तो कभी अंचल बदलने से इसमें तब्दीली हो जाती है। ऐसा ही कुछ गणित के जीरो यानी शून्य के साथ होना भले ही थोड़ा हैरानी भरा हो, लेकिन ऐसा देखा सुना जा रहा है। गणित में अगर जीरो किसी अंक के बाद लग जाए तो वो उसकी उपयोगिता को 10 गुना बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पिछले दो लोकसभा चुनाव में राजस्थान कांग्रेस को एक सीट भी हासिल नहीं हुई। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के पास जो डबल जीरो था वही इस बार भी आएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बीजेपी एक बार फिर सभी 25 सीटें जीतेगी। हर प्रदेश में उत्साह है, उमंग है, और वो जो देखना चाहते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री जी की शपथ लें। और हमें विश्वास है जैसा नारा हमने दिया है, 4 जून 4 सपार, निश्चित रूप से 4 जून को 4 सपार भारतीय जनता पार्टी। सरकार के अपने दावे हैं तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी अपना अलग ही आकलन बता रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के क्लीन स्वीप की हैट्रिक को रोकने का दावा करने के साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने राज्य सरकार के मंत्रियों के कामकाज पर भी अपना नजरिया बताते हुए सरकार के मंत्रियों को डबल जीरो नंबर की मार्किंग की है। डोटासरा ने कहा कि मंत्री कोई काम करते हैं तो उन्हें 10 में से कुछ नंबर देने की स्थिति आती, लेकिन यहाँ तो मंत्री अभी तक डबल जीरो पर ही अटके दिख रहे हैं। जब परफॉर्म करे तब उसकी रेटिंग होती है कि 10 में से इनको 7 देने, 6 देने, 5 देने, 4 देने। अभी तो डबल जीरो लिए घूम रहे हैं 6 महीने से। डोटासरा भले मंत्रियों के काम को डबल जीरो नंबर दे रहे हो, लेकिन बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल कहते हैं कि सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस नेताओं को दौरे पड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 महीने में पेपर लीक, किसान सम्मान निधि और ERCP जैसे मोर्चे पर काम किया है। गोठवाल ने कहा कि मार्किंग तो जनता तय करती है और जनता ने बीजेपी को राज्य में सरकार बनाने का मौका दिया है। सरकार ने पिछले 5 महीने के अंदर जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं वो सरकार की और मंत्री की दोनों की मार्किंग जनता के सामने रख चुके हैं, और हमारी मार्किंग जनता ने हमारे को बहुमत देकर दे दी है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी परख कोई भी चुनाव होता है,
और उसमें नंबर देने का अधिकार जनता के पास ही होता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले नंबर्स को राज्य सरकार के कामकाज की मार्किंग माना जाए या राज्य सरकार की मार्किंग चुनाव में ही तय होगी। शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। चलिए, जीरो कौन और हीरो कौन, जीरो या हीरो, आज यही जानने की कोशिश करेंगे साहब कि कौन बना बैठा है हीरो और किसको क्यों दे दिए नंबर जीरो। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे मैं परिचय करवा देता हूं। पहले प्रताप राव जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप राव सर, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर आठ का टेक में। प्रतिष्ठा यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतिष्ठा जी, आपका भी स्वागत है जी राजस्थान पर आठ का टेक में। और मिथिलेश जैमनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश जी, आपका भी स्वागत है जी राजस्थान पर आठ का अटैक में। सर, आप तीनों से चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले आठ का अटैक के प्राइम डिबेट के सुलगते सवाल, वो सवाल जो रहने वाले हैं हमारी इस चर्चा का आधार। सवाल नंबर एक, जीरो कौन और हीरो कौन। नंबर दिए जा रहे हैं एक दूसरे को जीरो, तो भाई हीरो कौन। सवाल नंबर दो, जीरो की लड़ाई से क्या कांग्रेस की गिनती बढ़ेगी। कांग्रेस जीरो पर है पिछले दो बार के चुनाव से, लोकसभा चुनाव से, क्या कांग्रेस की गिनती बढ़ेगी इस लड़ाई से। सवाल नंबर तीन, छह महीने की सरकार की मार्किंग जीरो, आखिर कैसे क्यों देने वाला कौन। सवाल नंबर चार, पिछले पांच साल की सरकार के अंक कौन करेगा तय। और सवाल नंबर पांच, अंक तय करने वाली जनता, तो ये नेताजी आखिर कौन। इन पांच सवालों के जवाब आज हम लेने की कोशिश करेंगे, सवाल पूछेंगे और जवाब तो लेकर ही रहेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हर बार की तरह 30-30 सेकंड आप तीनों के पास होंगे ओपनिंग कमेंट के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि इस बीच कोई किसी को रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, कोई किसी की बात काटेगा नहीं। सबसे पहले पीसीसी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिष्ठा यादव जी, 30 सेकंड ओपनिंग कमेंट। निश्चित रूप से जीरो वो होता है जो जनता की सेवा से अपना ध्यान भटकाकर केवल चुनाव प्रचार के मोड में रहता है, केवल सत्ता हासिल करने के में होता है, और जो जनता की सेवा करता है वो जनता का हीरो होता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और ये सभी जानते हैं। देखिए, जो हालात आज राजस्थान सरकार के हैं, जिस तरह से आम आदमी त्रस्त है, बिजली पानी और स्वास्थ्य की जो समस्या, वो किसी से छुपी नहीं हुई है। और यही चीज डिसाइड करती है कि बीजेपी केवल और केवल चुनावी मोड में रहने वाली एक पार्टी की। ठीक है, टाइम अप, टाइम अप, ठीक है, ठीक है, हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, आ रहा हूं मैं। 30 सेकंड हो गए मैम, 30 मिनट नहीं थे, 30 सेकंड थे। प्रताप राव सर, 30 सेकंड सिर्फ ओपनिंग कमेंट। सुमित, पेपर लीक कराने वाले कांग्रेसी मेहनती और परिश्रमी, ईमानदार, भजन सरकार को कोई नंबर देंगे इसकी कोई अपेक्षा ही नहीं हो सकती, क्योंकि जिन लोगों ने पेपर लीक कराकर शासन किया है वो कैसे इस मेहनती सरकार को देंगे। और छह महीने में प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरह का राज्य छोड़ा था, और उन सब परिस्थितियों में सारी अधिसूचना लागू होने के बावजूद किस तरह की परिस्थितियों में आज राजस्थान को ये सरकार ईमानदारी। टाइम अप सर, टाइम अप, मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। प्रताप सर, बात अपनी पूरी कीजिएगा, मैं दोबारा से आ रहा हूँ। मिथिलेश जैमनी जी, 30 सेकंड ओपनिंग कमेंट सर। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा जी को लगता है कि मुझे अधीरता का परिचय दिया उन्होंने, क्योंकि अभी सरकार हनीमून पीरियड में है, आचार संहिता लगी हुई है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये बताया कि लक्ष्मणगढ़ में हर घर में नल लग गया है, जल जीवन मिशन में क्या वहां बिजली का लोड बढ़ गया है क्या। 5 साल आपकी सरकार थी, तो क्या लक्ष्मणगढ़ में पानी की सप्लाई पूरी हो रही है क्या? क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जितना लक्ष्मणगढ़ को पानी मिलना था तो वो मिल रहा है क्या? क्या आपने 5 साल में कोई थर्मल का नया प्लान लगाया, क्या हाइड्रोलिक? ठीक है सर, टाइम अप, टाइम अप।
और आपके सवाल प्रतिष्ठा जी तक कुछ तो पहुंच गए हैं, बाकी आप कीजिएगा सवाल। पहले एक सवाल मैं प्रतिष्ठा जी से ले लेता हूं। सबसे पहले प्रतिष्ठा जी, 6 महीने वर्सेस 5 साल, गिनवाइए काम। देखिए 6 महीने वर्सेस 5 साल को आप ये देखिए, 6 महीने के अंदर सरकार क्या कर, केवल और केवल भ्रमण कर रही है, चुनाव प्रचार में है, और ये तो आप लोगों ने भी देखो, राजस्थान जनता ने होटलबाजी तो नहीं कर रही ना, होटलों में तो नहीं रुक रही ना, इस तरह से कहाँ भ्रमण कर रही है बताइए, बताइए कहाँ भ्रमण कर रही है, बताइए जरा कहाँ भ्रमण कर रही है, राजस्थान से बाहर। चलिए चलिए, मैं आपकी बात से सहमत, मैंने मान लिया प्रतिष्ठा जी, मैंने मान लिया सरकार भ्रमण कर रही है। 4 जगहों का नाम बताइए जहाँ सरकार भ्रमण कर रही है। सरकार राजस्थान में है कहाँ पहले, अरे भ्रमण कहाँ कर रही है बताइए ना मुझे तो, सरकार के एमएलए और मंत्री कहाँ भ्रमण कर रही है, की व्यवस्थाओं को कहाँ भ्रमण पर गई है बताइए तो सही, फिर मैं जवाब देता हूँ आपका, उसको आपका जवाब दूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा कि क्यों गई है सरकार वहाँ पर, भ्रमण कहाँ कर रही है बताइए पहले आप मुझे। जवाब तो मैं बता ही रही हूँ ना कि प्रचार में लगी हुई है, केवल सत्ता हासिल करना, कहाँ पर भ्रमण कर रही है भ्रमण, आपके नेता प्रचार नहीं कर रहे, आपके नेता प्रचार नहीं कर रहे, आचार संहिता लगी हुई है इसमें क्या काम होगा, और आपके नेता प्रचार नहीं कर रहे अशोक गहलोत, अच्छा मतलब अशोक गहलोत जी राहुल गांधी के आजू बाजू में खड़े हुए दिखाई देते हैं, उनके साथ जाते हैं, तो वो भी भ्रमण पर है, मतलब आप अपने नेताओं पर ही उंगली उठा रही हैं, सरकार नहीं चला रहे हैं, आपको ये ध्यान होना चाहिए स्मिता जी। अरे प्रतिष्ठा यादव जी, प्रतिष्ठा यादव जी, सरकार चला रहे हैं हमें ये ध्यान है, भजन लाल शर्मा जी सरकार चला रहे हैं, तो जरा ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, आचार संहिता लगी हुई है, आपको भी ये ध्यान होना चाहिए प्रतिष्ठा यादव जी, और आचार संहिता के दौरान चुनाव के वक्त पर चुनावी प्रचार ही किया जाता है प्रतिष्ठा यादव जी, और आपका कौन सा काम अटका प्रतिष्ठा यादव जी, जरा बताइए, चलिए बताइए कौन सा काम अटका आपका, वो आचार संहिता नहीं थी, आम आदमी को कौन सा काम अटका आपका, इस तपते हुए टाइम के अंदर जब राजस्थान का आम आदमी त्रस्त है, क्राइम माफ की सिचुएशन राजस्थान, अच्छा किस चीज से त्रस्त है बताइए, किस चीज से त्रस्त है, अगर मंत्री बनाना है तो आचार संहिता की सच्ची, किस चीज से त्रस्त है, किस चीज से त्रस्त है बताइए, किस चीज से त्रस्त है बताइए, बिजली से त्रस्त है, पानी से त्रस्त है, आपके शासन काल में बिजली पानी सारी व्यवस्थाएं पुख्ता थी, अशोक गहलोत जी सवाई मानसिंह अस्पताल में गए थे, वहां पे लोगों ने उन्हें घेर लिया था कि साहब व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, डॉक्टर्स आए दिन हड़ताल पर जाते थे, याद है ना आपको, 5 साल में आप वो काम नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद आप 6 महीने में रख रहे हैं, मतलब जो काम आप 5 साल में नहीं कर पाए वो 6 महीने में हो जाए, जादू की छड़ी तो अशोक गहलोत साहब के पास थी मैडम, भजन लाल शर्मा के पास नहीं है, प्रताप राव सर जवाब दीजिए प्रतिष्ठा यादव जी का, पहले मेरी बात का आपने तो एक मिनट जवाब ले लीजिए ना, लोकसभा आपने आपने सवाल पूछा, त्राही माम कर रही है जनता, बिजली पानी अस्पताल सब पटरी से उतरी हुई व्यवस्था, जवाब दे रहे हैं प्रताप राव जी, जवाब दे रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता, सुन लीजिए देंगे प्रताप सर, सुमित मैं ये कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव के जो छह दौर पूरे हो चुके हैं उसमें कांग्रेस को पूरी तरह से राजनीतिक लू लग चुकी है, और राजनीतिक लू लगने के कारण बयानों की उल्टियां होने लगी हैं, अभी 2 दिन पहले अशोक गहलोत अपने ही लोगों को गाली गलौज कर रहे थे, और अब ये जो पेपर लीक के मामले में काफी आरोपित हुए लुटासरा अब नंबर देने लगे हैं, सुन लीजिए प्रतिष्ठा जी, आपके बीच में नहीं बोले थे, जो बयानों की बीजेपी प्रवक्ता आपके बीच में नहीं बोले थे, ये आपस के इनके टकराहट है इसके भी, अभी 4 तारीख संभालिए, 4 तारीख को आरोपों के दस्त लग जाएंगे, इन कांग्रेसियों के आरोपों के दस्त लग जाएंगे, क्योंकि जो स्थितियां बनी है आपस में और अशोक गहलोत के बीच में बयानों की बीजेपी प्रवक्ता शांतिपूर्वक सुन रहे थे, कौन ज्यादा बयान दे, कौन स्क्रीन पर आ जाए, आज 0 नंबर देने की स्थिति क्या है, आज कौन सी स्थिति है, क्या कांग्रेस गिना सकती है कि कौन सा काम नहीं किया, ऐतिहासिक गर्मी पड़ रही है पूरी दुनिया में और राजस्थान में, इस ऐतिहासिक गर्मी की जो चर्चा है साल की शुरुआत में ही हो चुकी थी,
ऐतिहासिक गर्मी की जो चेतावनी है पहले ही दी जा चुकी थी। गहलोत की सरकार थी उस समय, गहलोत सरकार को उस समय तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन कोई तैयारी नहीं की गई। जैसा अभी कहा, सवाल लीजिए जरा कि गोविंद डोटासरा जी बताएं, ठीक है मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, मैं मान लेता हूं आपकी बात है, जल जीवन मिशन राजस्थान पूरा सरकार केंद्र से पैसा, केंद्र सरकार से आया सर, एक सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, और अब हम लोग लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, पानी हम लोग लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, और मीडिया का काम होता है सत्ता से सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछना। मैं अपना वही धर्म निभा रहा हूँ, और सवाल सुनिए प्रताप राव सर, हम लोग लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रदेश भर के अस्पतालों की, स्थितियां इतनी बिगड़ी हुई हैं सर, एक बेड पर दो दो तीन तीन मरीजों को लेटाकर इलाज हो रहा है, पंखे बंद हैं, मरीज के तीमारदार घर से हाथ से झलने वाला पंखा ला रहे हैं, उससे हवा कर रहे हैं, गर्मी इतना रौद्र रूप दिखा रही है, ऐसे में आप तो देख रहे हैं ना, लू लगने से लोगों की मौत हो रही है, ऐसे में अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है, मयस्सर नहीं है उनको सर सुविधाएं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ठीक है आपकी सरकार को कम वक्त हुआ है, लेकिन मॉनिटरिंग कोई तो करेगा ना सर। सुमित, नहीं नहीं बिल्कुल मॉनिटरिंग देखो सुमित, एक तो मॉनिटरिंग रेगुलर हो रही है, लेकिन इसकी जो तैयारी जो आज से 6-7-8 महीने पहले होनी चाहिए थी, हम सब जानते हैं कि अचानक 9 लाख यूनिट की अतिरिक्त डिमांड हो गई है, ये बढ़ी हुई जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए बाजार में भी बिजली उपलब्ध नहीं है। जो भजन सरकार है, भजन लाल जी की सरकार है, वो बाजार में उपलब्ध सबसे महंगी बिजली भी खरीद कर जनता को उपलब्ध करा रही है, लेकिन बिजली उपलब्ध नहीं है, क्योंकि गहलोत की सरकार ने ऐसे एग्रीमेंट कर लिए थे कि हमें 900 लाख यूनिट बिजली अभी दूसरे राज्यों को वापस करनी पड़ रही है। देखिए गहलोत की सरकार को यह पता था कि इस बार वो वापस चुनके नहीं आने वाले, उन्होंने जाते जाते इस प्रदेश का इतना कबाड़ा किया, अब जिसे बता रहे हैं कि अस्पतालों में बेड की स्थिति, अब आप बताइए कि अस्पतालों में बेड की स्थिति क्यों है ऐसी, बेड की स्थिति इसलिए कि अस्पतालों की क्षमता को कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, बढ़ाया ही नहीं गया, ये सरकार केवल कोरोना और कोरोना के बाद कितना वक्त और लगेगा सर इन स्थितियों को सुधार करने में, पूरा पैसा खा गए केंद्र की सरकार, इतना बड़ा रॉकेट साइंस है क्या कि इन स्थितियों में सुधार नहीं हो पाएगा सरकार केवल अपनी, क्योंकि मेरा ये सवाल इसलिए प्रताप राव सर में लगे रहे, क्योंकि इससे ना कांग्रेस को फर्क पड़ेगा ना बीजेपी को, उसी का परिणाम है लिए वीआईपी कमरे बुक हो जाते हैं, लेकिन आम जनता का क्या होगा सर, इन स्थितियों को बदलने में कितना वक्त और चाहिए। देखिए देखिए सुमित, कि कोई भी प्लानिंग होती है उसका असर 6-8 महीने 1 साल बाद ही आता है, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से इस मामले को लेकर संवेदनशील है, और जहां जहां बाकी राज्यों में भाजपा की सरकार है लगातार काम कर रही है, वहां इस तरह की समस्या नहीं है, क्योंकि वहां संवेदनशील सरकार है, लगातार काम करती है, लगातार जनता के प्रति चिंतित रहती है, लगातार उसने अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है, पानी की कमी को हल किया है, जल जीवन मिशन में भाजपा की सरकारों ने बहुत जरा बताइए सर, लेकिन गहलोत की सरकार ठीक है, मैं जल जीवन मिशन को खा गई, जल जीवन मिशन को डुबो दिया, चिंता में घुले जा रहे हैं तमाम लोग, लेकिन हम जानते हैं असर आम जनता पर ही होता है, मंत्री नंबर जीरो दिए जा रहे हैं, पहली बात तो ये मिथिलेश जैमिनी सर, ईडी के छापे पड़ चुके हैं, अति उत्साह कहीं नेगेटिव तो नहीं चला जाएगा बीजेपी बार बार, ठीक है और ये बात अच्छी भी है कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए, जब जनता के बीच में जाते हैं तो हमें कहना पड़ता है 25 में से 25 सीटें। दूसरा, कांग्रेस कौन होती है बीजेपी को नंबर देने वाली, जीरो नंबर 5 महीने के कार्यकाल के लिए। मिथिलेश जैमिनी जी, देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस में जो 3-4 खेमे बने हुए हैं, एक सचिन पायलट का खेमा है, एक जूली का, टीकाराम जी का खेमा है, एक अभी गोविंद सिंह डोटासरा पहली बार ये स्थापित करना चाहते हैं कि जाट कौम नंबर 2 नहीं बनी, मैं नंबर 1 बन के दिखाऊंगा, तो वो गहलोत जी से बढ़कर बयान देना चाहते हैं, वो उनसे बढ़कर चर्चा में रहना चाहते हैं, तो कांग्रेस में ये एक नई जंग शुरू हो गई है, और डोटासरा जी ये कह भी रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के कार्यकाल में 0 आई थी, अगर मेरा खाता भी खुलता है तो मैं लक्की हूं, और मैं लक्की इसलिए भी हूं कि मेरी 70 सीटें आई हैं, कभी 21 और 56 नहीं आई, जब तो मैं जनता जनार्दन ने सुना दिया अपना 70 आई है, तो डोटासरा जी अब इस तरह की बयानबाजी से क्या मायने सर। बिल्कुल बिल्कुल
केवल उसका बयानबाजी का मतलब यही है कि जिस तरीके से जो उन्होंने कहा अशोक गहलोत ने नॉन परफॉर्मिंग असेट उसकी कार्ड ढूंढ रहे हैं, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग असेट में कई जाट नेता हैं और वो जाट नेताओं से बिगाड़ना नहीं चाहते गोविंद सिंह डोटासरा। जिस तरीके से आज जो रिचपाल मिर्दा जी ने हमला किया है और जो बिजली और उसके मामला है, देखिए बिजली में ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मिले हैं, गुजरात के सीएम से मिले हैं, महाराष्ट्र के सीएम से मिले हैं। सबसे बड़ा सवाल है, डोटासरा जी ये जवाब दे कि बिजली के लिए थर्मल प्लांट चाहिए। आपने 5 साल में एक भी थर्मल प्लांट लगाया क्या? विंड और जो सन पर आधारित ऊर्जा है उसकी एक लिमिटेड सीमा है। आप बता दीजिए एक भी प्लांट आपने लगाया 5 साल में। और पानी में 27,000 करोड़ रुपए आए, उनमें 6,000 करोड़ रुपए का काम हुआ, उनमें 1,000 करोड़ रुपए का ईडी बता रही है करप्शन हुआ। तो ये तमाम चीजें घूम रही है। और जिस तरीके से कन्हैयालाल चौधरी ने एक किसान के बेटे ने जवाब दिया है कि आपकी गोद में जो भ्रष्ट ठेकेदार पलते थे उनका हिसाब होगा, और 4 जून को वैभव गहलोत हार रहे हैं उसके चलते आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ रही है। आप देखिए अशोक गहलोत उन लालचंद कटारिया के लिए बोल रहे हैं, जिस लालचंद कटारिया ने इनकी सरकार बचाने के लिए जब मानेसर में जा रहे थे 20 अगस्त को तो उन विधायकों को रुका, चेतन डूडी, वीरेंद्र सिंह, राहुल, रोहित बोरा, एक लंबी फौज है। जिस जब सरकार 25 तारीख को आपके साथ थी तो धारीवाल के घर ये सब थे, राजेंद्र यादव, आलोक बेनीवाल जो कमला जी के बेटे हैं। तो ये गोविंद सिंह डोटासरा को दिखाई नहीं दे रही, ये उनको दिखाई नहीं दे रही, केवल चर्चा में रहने के लिए नॉन परफॉर्मिंग असेट बता रहे। मिथिलेश जामनी जी कह रहे हैं कि आप लोगों को याद नहीं आई थी क्या थर्मल पावर प्लांट लगाने की। दूसरा प्रताप राव जी कह रहे हैं कि भैया एग्रीमेंट कर जाते हो आप, कर्जे में छोड़ जाते हो, खजाने को खाली कर जाते हो, फिर उम्मीद रखते हो आने वाली सरकारों से। ये अभी नहीं हो रहा है, ये केंद्र में भी हो चुका है जब यूपीए की सरकार थी, उस वक्त भी आप लोग एग्रीमेंट खेल के चले गए। और फिर अभी एनडीए की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, वो आपका कर्जा भुगत रही है, चुका रही है, और आप लोग फिर कहते हैं पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। आपको तो जानकारी होगी ना इन एग्रीमेंट की, बताइए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। ताजी जब कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट थी उस टाइम देश पर केवल 70,000 करोड़ का कर्ज था, और आज इस गवर्नमेंट ने मात्र वो 70,000 करोड़ का कर्ज आने में 70 साल लगे थे और मात्र 10 साल में 150 करोड़ लाख का कर्ज देश के ऊपर आज है। आए ना दिखाई इस सत्य, हम क्या छोड़ के गए थे? अगर उसको नहीं संभालने की आपकी क्षमता थी तो आपको वादे नहीं करने चाहिए थे राजस्थान को। अशोक गहलोत साहब बहुत शिद्दत से राजस्थान को संभाले हुए थे। कोविड जैसी महामारी जो अचानक आई उसका भी पूरे राजस्थान ने पूरे देश के अंदर टॉप लेवल पर ट्रीटमेंट किया था। ये देश के प्रधानमंत्री तो आप उसी को लेके मुख्यमंत्री के लिए उसी को लेके ढोल पीटते रहेंगे क्या मैडम? आगे क्या किया? कोविड जैसी महामारी में ही आपके नेता होटलों में जाकर बैठ गए थे। कोविड जैसी महामारी में ही आपके नेता कह रहे थे नकारा, निकम्मा, कामचोर, गद्दार, फिर कह दिया अशोक गहलोत ने, तो जीरो अंक किसे मिलेगा? आपके नेता, सर्वमान्य नेता, अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेता को कहते हैं, पार्टी के नेताओं को, कि हमारी पार्टी में गद्दार, नकारा, निकम्मा भरे हुए हैं, तो जीरो अंक तो किसे मिलेगा मैडम? आपके नेता खुद के नेताओं को जीरो अंक दे रहे हैं। प्रताप राव जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। ठीक है। कांग्रेस जो हालात बनी है विधानसभा चुनाव में, जो करारी हार मिली है, उसके बाद लोकसभा चुनाव में जो हार हो रहा है, जो हार को देख कर ये अभी से ही बौखलाने लगे हैं। कांग्रेस की इंटरनल स्थिति बता रही है, उसी का परिणाम है कि इस तरह के बयान बार बार आ रहे हैं, जो जिस तरह से मिथिलेश जी ने बताया नकारा निकम्मा। नकारा निकम्मा किसको? वो अपनी पार्टी के नेताओं को कह रहे हैं। पहले उन्होंने सचिन पायलट को कहा, अब बाकी नेताओं को भी नकारा निकम्मा बता दिया, अब डोटासरा नंबर देने लगे। ठीक है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, मुझे चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा, माफी के साथ मुझे यहीं रोकना पड़ेगा आप दोनों को। प्रताप राव सर आपका शुक्रिया कीमती वक्त हमें देने के लिए, प्रतिष्ठा यादव जी आपका भी शुक्रिया, अपना